सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का थैंक यू भाई, इतना प्यार दे रहे हो आप, वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, तो ऐसे भाई प्यार बनाए रखे। धूप सीधी पड़ रही है मेरे पे, पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ मैं, कैसा नहीं, लेकिन आज भाई मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि दुबई और कुवैत में, मतलब मैं दुबई क्यों नहीं गया, कुवैत में क्यों आया ना। मेरा पहले जाने का मन दुबई का था, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मैं कुवैत में क्यों आया, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और इसमें लाइसेंस के बारे में भी बताऊंगा और अपडेट के बारे में भी बताऊंगा, मतलब दुबई का लाइसेंस और कुवैत का लाइसेंस, और अगर आपने आगे जाना हो इंटरनेशनल कहीं भी जाना हो तो उसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा, क्या क्या सिस्टम है, कितना खर्चा आता है, क्या होता है, क्या होता है ना। तो वीडियो क्लास तक बने रहना भाई, शायद आपके काम आई ये वीडियो, और अगर आपका कोई रिलेटेड बंदा है जो जाना चाहता है तो आप उनको सेंड कर देना कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है, देख लो, सारा का सारा कुछ बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अभी फिलहाल काम पे जा रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं अपने हम काम पे, और ये देखो भाई सारे स्लो बन के तैयार हो ही चुके हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम खत्म होने वाला है इस साइड पे, वहां पे जाके एंड होगा भाई हमारे काम का। तो लगभग सारा का सारा काम हो ही चुका है, एक या दो मंथ का काम रह गया है और उसके बाद फिनिश। के बाद ओ माई गॉड, मैं तो गलत आ गया, मुझे ऊपर जाना है, वो देखो एक्सेलेरेटर वगैरह उधर लगी हुई है ना, मुझे तो ऊपर जाना है। चलो कोई बात नहीं, बैक गाड़ी घुमा लेता हूँ, वो देखो वहाँ से मुझे गाड़ी भरवानी है जहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है। मैं नीचे चला गया था, वो एक्सेलेरेटर लेकिन स्लोप तैयार कर रही है ना, तो वहाँ पर चलते हैं, शायद फोरमैन हमें बोलेगा कि जो दूसरी मिट्टी है वो लेके आनी है। चलो कोई नहीं, वो बात की बात है, फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो भाई अभी बात करते हैं कि मैं कुवैत में क्यों आया और दुबई, मतलब मैं पहले आपको बता दूं कि मैं भी दुबई जाना चाहता था। देखो हमारी सबसे पहले थिंकिंग ये होती है, जो ट्रक ड्राइवर है उनकी, मैं सच्ची में बात बताऊं कि ट्रक ड्राइवर की थिंकिंग ये होता है कि मैं दुबई जाऊंगा, वहां पे लाइसेंस बनवाऊंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, एंड देन गो टू अदर कंट्री, ठीक है। इंटरनेशनल कंट्री किसी में भी मान के चल सकते हो आप, या कैनेडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या यूरोप साइड हो गया। तो ज्यादातर जो बंदे होते हैं वो प्रिफेयर करते हैं कि आप दुबई जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां का जो चार नंबर लाइसेंस है वो लेके आप जा सकते हो, इजीली काम हो जाता है। ये हमारी सोच है, मैं आपको पहले बता दूं, मेरी भी पहले ऐसी सोच थी जब मुझे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पहले मेरा भी ऐसे था कि पहले, अभी का सीन बता देता हूँ कि अभी तो जो दुबई है वो भाई फ्रेशर बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं उठा रहा, जिनके पास लाइसेंस है उसी कंट्री का दुबई का, उन्हीं को ही उठा रहा है ना। तो जब मैं ट्राई कर रहा था तो भाई मैंने भी काफी ट्राई की कि मतलब मैं भी कोई फ्रेशर के लिए जॉब आएगी तो मैं अप्लाई करूंगा ना, मैं निकल जाऊंगा तो, लेकिन नहीं बनी बात। फिर मैंने उससे बात की भाई किसी एजेंट से कि ठेका होता है कि पैसे दे के लाइसेंस बनवा के वो हमें काम दिलवा देगा, तो ऐसा भी भाई दुबई में सिस्टम चलता है। तो वहां पे बात हुई हमारी भाई 7.5 लाख रुपए में कि 7.5 लाख रुपए दो आप और आपको हम वहां पे जॉब दे देंगे, ठीक है, आपका लाइसेंस भी बनवाएंगे और आपको जॉब भी दे देंगे। तो चलो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फिर मैं घर आके सोचा यार, थोड़ा सा मैंने रिसर्च की कि दुबई ही क्यों, अदर कंट्री में क्यों नहीं ये काम हो सकता है ना। फिर भाई मैंने सब कुछ चेक किया, तो फिर कुवैत की भी वैकेंसी आई, कुवैत में मैंने ट्राई दी तो मैं इसमें क्लियर हो गया। फिर मैंने जब सारा कुछ देखा तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा भाई कुवैत के बारे में बताऊं, सबसे अच्छा मुझे कुवैत का ये लगा, कुवैत का लाइसेंस, अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई जो कुवैत का लाइसेंस है, जैसे कि अभी मैं डंप ट्रक ड्राइवर हूँ अभी यहाँ पे, है ना, या जो बस ड्राइवर है या ट्रेलर ड्राइवर है, हम तीनों की बात कर रहा हूँ, बस ड्राइवर, डंप ट्रक ड्राइवर और ट्रेलर ड्राइवर, इन तीनों का लाइसेंस होता है भाई यहाँ पे एक ही होता है, जिसे कि हैवी लाइसेंस ही बोला जाता है, मतलब इनका टिक होता है, एक पे लगा है तो हम ये तीनों चीजें चला सकते हैं, ठीक है। ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी कुवैत की। लेकिन अगर आप दुबई जाओगे तो दुबई अगर आपका ट्रेलर पर टिक लगा हुआ है तो आप ट्रेलर ही चला सकते हो, आप डंप ट्रक उससे नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये बात मुझे लगी भाई कुवैत की सबसे अच्छी, तो मैं इसीलिए भाई कुवैत के लिए मैंने सोचा कि यार 1.5 लाख में कुवैत में पहुंच रहा हूं तो मुझे और क्या ही चाहिए। कहां पे मैं 7 लाख रुपए खर्च रहा था, कहां पे 1.5 लाख में काम हो गया और कंपनी ही लाइसेंस बनवा के देगी। चलो लाइसेंस तो सभी जगह कंपनी बना के देती है, लेकिन कई कंपनी होती है जो कि लाइसेंस के पैसे काटती है, चलो वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है भाई दुबई तो ज्यादातर बंदे वही जाते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो ना। देखो आप जो बंदा 7 लाख रुपए लगा रहा है तो वो ऑलरेडी उसे पता है कि मैं 2 साल काम करूंगा एंड देन मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर दूंगा, निकल जाऊंगा मतलब वहां पे। लेकिन जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के बंदे हैं,
हम ये चीज नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि यार पैसा कहाँ से बचे, है ना। तो और हमें इकट्ठा भी पैसा करना होता है तभी तो आगे जाएंगे। ये तो है नहीं कि हमारे बैंक भरे पड़े हैं 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए, या हमारे पास इतनी जमीन है कि जमीन बेच के हम निकल गए। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे खुद कमा के खुद ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए भाई मुझे कुवैत अच्छा लगा। मेरी सोच ये थी कि मैं कुवैत जाके, जैसे कि अभी आ ही चुका हूँ, मेरा लाइसेंस बन जाएगा और उसके बाद 3 साल का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लेके, 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आप किसी भी कंट्री में जाना चाहो भाई आप जा सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अभी 10 महीने में यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे आगे, और काफी बंदे कैनेडा पहुंच भी चुके हैं तो उनसे भी मेरी बात होती है। तो भाई इतना तो पता लग चुका है कि सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, फिर चाहे आप सऊदी अरब में हो, कतर में हो, कुवैत में हो, या दुबई में हो, या बहरीन में हो, कहां भी हो, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, आपको कंपनी इजीली भाई उठा सकती है। और एक बात और बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है आपकी एजेंट के थ्रू ही जा सकते हो। अगर आपका 4 साल का, 3 से ऊपर आपका एक्सपीरियंस है ना, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो ये कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो डेफिनेटली आपका काम पक्का बनेगा। बेशक थोड़ा लेट बनेगा, लेकिन बनेगा ही बनेगा। हम ये ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कुछ भी, है ना। तो ये चक्कर है भाई, इसलिए मैंने दुबई को साइड किया और मैं कुवैत की ओर आया। कुवैत की मुझे ये बेस्ट बात लगी कि लाइसेंस में ये सीन होता है। लाइसेंस का भी यहाँ का बता देता हूँ भाई, यहाँ का सिस्टम ऐसा होता है कि अगर आपने किसी अदर कंट्री में जाना हो, बड़ी कंट्री में, तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल लाइसेंस करवा सकते हो। 10 या 20 केडी लगते हैं भाई एक साल के करवाने के लिए, 10 केडी में 1 साल, 20 केडी में 2 साल, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल लाइसेंस करवाओ एंड देन किसी भी कंट्री में जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा सिस्टम है भाई। अभी मुझे कुछ और भी बातें याद थी लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन जैसी याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहे, है ना।